मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर लगातार देश में प्रदर्शन जारी है। इस घटना की निंदा करते हुए जबलपुर में आदिवासी समाज की गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जहां इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार के इस्तीफे की मांग की गई। वहीं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से आदिवासी मूल समाज की महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार गूंगी बहरी हो गई है, जिन्हें आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे। वहीं अब आदिवासी समाज आगामी 2023 और 24 के चुनाव में अपने आदिवासी समाज से अपील कर रहा है कि गूंगी बहरी सरकार को वोट ना कर चुनाव का बहिष्कार करे। उसके विषय में महामहिम राष्ट्रपति महोदय महामहिम राष्ट्रपति नाम किया जाए, इसमें मणिपुर सरकार को पसंद किया जाए और वहां पर राष्ट्रीय शासन लागू किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि हाल ही में सीधी जिले में जो मुठभेड़ जो हुआ था, उस आरोपी के फॉर्मेलिटी के तौर पे गिरफ्तारी हुई है, जिसको फांसी की सजा होना चाहिए। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड में अभी की ताज़ी खबर है, ये ताज़ी अभी लगभग 4-5 दिन की 3 दिन पहले की घटना घटी है, जो कि एक शासकीय कन्याशाला में बच्चों के बॉटल में मूत का मिश्रण करके पानी पिलाने का, उसमें इसकी जांच हो और अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ये तो पूरे भारतवर्ष में ही पता है कि महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, बेटियों को नगण्य अवस्था में घुमाया जा रहा है, ऐसी सरकार का बहिष्कार करना चाहते हैं और ऐसी बहरी सरकार को उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी संसद में महिलाएं भी बैठी हैं, राज्यपाल महोदय को भी कहना चाहती है, आप एक महिला होकर भी अगर बेटियों को न्याय नहीं कर सकती हैं, वो बेटी निर्वस्त्रहीन नहीं हुई है, वो पूरी राज्यपाल निर्वस्त्रहीन हुई है और पूरी सरकार नंगी है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और अभी भी शर्म नहीं है तो डूब मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। आज आप लोगों ने कह, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राज्यपाल के लिए बेटियों की मणिपुर हत्या के खिलाफ। रमा ध्रुव जिला कार्यवाहक अध्यक्ष, में आज वर्तमान स्थिति में राष्ट्रपति आदिवासी, राज्यपाल आदिवासी और वो भी महिला आदिवासी होने के बाद, आज जिस तरीके का भारत देश में नहीं पूरे विश्व में महिलाओं का, जिस तरीके से महाभारत आप लोगों ने सुना होगा कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी प्रकार जो सामंतवादी और जो गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है वहाँ पर, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनको मोतियाबिंद की बीमारी हो चुकी है और वहाँ पर मणिपुर में और चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ऐसी सरकारों को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जब जब चीरहरण हुआ है महिलाओं पर तो उनका नाश हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे दलित आदिवासी मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो लोग हैं जो ग्रंथों में कहते हैं कि मुंह से पैदा होने वाले लोग हैं, जो आज हंसी और मुस्कुरा रहे हैं। पर अब इसका बदला हम 2023 और 2024 में, क्योंकि उन लोग बोल रहे रोडों पर चलेंगे, अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे और क्या होगा, पर अब हम उनको बता देंगे कि 2023 और 2024 में जिन लोगों ने अपनी माँ से जन्म लिया है वो भाजपा सरकार को वोट नहीं करेंगे, न केंद्र सरकार में न राज्य सरकार में। मूल निवासी जनजाति संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे झारिया।